हेलो गाइस वेलकम टू एग्जाम प्रेप एंड दिस इज मी एंड आशू झांगा सर ब्रिंगिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो यस मेनी स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं दे नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स मे बी यू नो यू मे बी अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट और यू मे बी फॉलोइंग एनी क्लासेज और एनी इंस्टीट्यूट बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टू बी अ टॉपर यू नीड रियल स्ट्रांग कॉन्सेप्ट स्पेशली वीक एरियाज में आपको बुक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है सो मी एंड आशू सर विल ब्रीफ यू सब्जेक्ट बाइ सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ ई सी एंड डबल इ

मैंने देखा है इफ यू सी रिसेंट फोर फाइव दो हजार सोलह सत्रह से जो पैटर्न चल रहा है या को, को, very exactly, big, ये इसका बहुत सबसे बड़ा exactly, है कि gate के सीधे सीधे एक्सैक्टली सर एक्सैक्टली चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम नाउ इफ यू आर वन ऑफ दोस्ट की जिसको लगता है सिग्नल्स आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है यू यू आर वेरी पुअर एट इट एंड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट स्क्रैच ताकि सब कुछ समझ में आ जाए देन वी हैव अ रेफरेंस ऑफ द बुक नोन एज रमेश बाबू सिग्नल एंड सिस्टम गुड बुक गुड कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड वेरी सिंपल टू स्टार्ट ऑफ विद मतलब एकदम बेसिक से भी जिसको स्टार्ट करना है बट एट द सेम टाइम इफ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जिसको लगता है थोड़ा सा आता है कहीं कॉलेज में पढ़ा या कभी थोड़ा सा गेट के लिए पढ़ा था बट यू नीड सम एडवांस नॉलेज एंड हंड्रेड परसेंट मास्टर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन आई गिव यू वॉट आई कॉल द बाइबल ऑफ दिस सब्जेक्ट दट इज सिग्नल एंड सिस्टम इतनी अच्छी तरीके से सिग्नल एंड सिस्टम एंड अगेन द क्वेश्चन लेवल स्पेशली सोल्व प्रॉब्लम प्रिटी मच रिलेटेड जो भी गेट में नए क्वेश्चन आते हैं वो यू नो ओपन है सोल्व प्रॉब्लम राइट एंड इवन फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा सा बेसिक भी आपका है एवरीथिंग डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन दिस बुक ओनली थिंग दैट यू विल नॉट फाइंड इन दिस पर्टिकुलर बुक इज द डीएफटी पार्ट ओके गेट के रिस्पेक्ट में बात करें पहले सो फॉर डीएफटी पार्ट अगेन योर कॉल यू कैन गो टू रमेश बाबू और एट कैन गो टू प्रो दिसर वेरी गुड बुक फॉर डीएसपी बट पूरा डीएसपी के लिए इसमें जरूरत नहीं बिकॉज यू नो वेर इज द्रीट टाइम डीटीएफटम एवरीथिंग इज देर एन ओपन एम स्पेशली फॉर डी एफ यू कैन रिफर दैट एन एट द सेम टाइम अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस या और गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो देर यूड एफ एल्सो डिस्टल फिल्टर गेट में रिमूव हो चुका है Filter, but you need in other exams, so for any extra part of distal, like DFT, FFT, distal filter, you can go for the DSP book by.

ओके बट एट द सेम टाइम इफ यू नीड प्रॉब्लम प्रैक्टिस रेलिवेंट टू द गेट लेवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको उतना बेस्ट नहीं मिलेगा पर्सनली मेरा बिलीफ है कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी ओके बट नाउ आई हैव अ बुक व्हिच एक्चुअली आई आल्सो एक्सप्लोर ड्यूरिंग माय एमटेक टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी मैं मैंने से पढ़ा था बट अब कुछ एक्स्ट्रा चीज जानता हूं तो आपको बता सकता हूं राइट ड्यूरिंग माय मास्टर्स टाइम आई गॉट द रेफरेंस ऑफ दिस बुक दैट इज अ चार्ल्स रॉथ फंडामेंटल्स ऑफ लॉजिक डिजाइन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट स्पेशली सीक्वेंशियल सर्किट और फाइनाइट स्टेट मशीन पे जाना है सेटअप टाइम होल्ड टाइम को समझना है एक्सीलेंट बुक आई विल से

पीएस बिमरा इसके अलावा भी और भी बुक आती है बट पीएस बिमरा एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है इसमें लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है और आपको इजीली समझ आ जाएंगी चीजें तो इसलिए पीएस बिमरा को रेफर कीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं आप इससे पढ़िए इसमें सोल्व प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे रखी है अनसोल्व भी काफी ज्यादा है बट सोल्व को जरूर सोल्व कर ले बिकॉज सोल्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको आपको कंसेप्ट अप्लाई करना सीखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोल्व प्रॉब्लम मिल जाने वाली है तो इसलिए इस बुक को आप जरूर रेफर करें इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक को हम रेफर करें अब बहुत सारे स्टूडेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पी एस बिमरा को भी लेते हैं बट उसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं तो इसलिए हम ऐसे करते हैं कि एक और मैं आपको रेफ़र कर रहा हूं जो कि बिल्कुल एक मतलब पढ़ के एक इजी लैंग्वेज और पढ़ के आपका दिल खुश हो जाएगा और कंसेप्ट में जो आपकी बिल्डिंग होने वाली कंसेप्ट बिल्डिंग वो काफ़ी बड़े बहुत ही बढ़िया आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बनेगी और उसके लिए डेनियल डब्ल्यू हार्ट ये बुक मैं रेफर कर रहा हूं जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था तो मतलब मैंने बाकी बुक्स को पढ़ना छोड़ दिया

एडवांस लेवल की बुक हो जाएगी आप पहले हैंड पे इसको नहीं पढ़ सकते हो तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेनियल हार्ट से स्टार्ट करना है कुछ टॉपिक -कुछ में यहाँ पे दिक्कत आ रही है उनके लिए आप इसको रेफर कर सकते हो तो चलिए सर, uh, सर को बोलूंगा कि नेक्स्ट लेटस टॉक अब सब्जेक्ट ऑफ ईएमटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड यहाँ पे अगेन मैं दो बुक्स की बात करूंगा इफ यू टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इफ यू वांट इजी लैंग्वेज

ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा के कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर चेंज के साथ लेवल की गेट स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लाइक दिसन ऑफ रेड लाइट ओके एंड दट क्वेश्चन

पूरा टाइप का प्रॉब्लम प्रैक्टिस देखना है वन मोर बुक आई मेंशन स्पेशली फॉर एनलॉक कम्युनिकेशन नॉट फॉर डिजिटल एंड दैट इज द शॉम सीरीज राइट अब शॉम सीरीज में आपको कभी भी डिटेल थे नहीं मिलेगी इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट के लिए पहले ये ले लो बट शॉम सीरीज के जो एनलॉग कम्युनिकेशन के सिर्फ सोल्व प्रॉब्लम भी कर लो डोंट इवन गो एक्सपीरियंस है इवन ऑफ एनलॉग कम्युनिकेशन ऑफ शॉम सीरीज आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर योर ट्रांसफॉर्म सिग्नल एनलॉग कम्युनिकेशन आपका पूरा कन्वर्ट हो जाएगा पूरा एब्सोल्यूटलीज वॉट आई बिलीव इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की हमने जो बुक रखी है छोटी बुक है मजेदार बुक है और सारा सिलेबस उसमें कवर्ड है एक्सेप्ट पावर सिस्टम प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा दूसरा बुक जाना पड़ सकता है हालांकि प्रोटेक्शन उसमें दे रखा है वो भी अच्छा है वो भी आप कर सकते हो बट uh, जो बुक मैंने रखी है वो है स्टीवनसन डब्ल्यू डी स्टीवनसन तो ये बुक जो है आप इसको ले सकते हो मतलब आप समझिए पावर सिस्टम पतली सी बुक है बट ये बाइबल है तो इसमें अगर आप पावर सिस्टम पढ़ रहे हो हर एक चीज आप बेहतर तरीके से समझोगे हाँ इसके लिए क्योंकि इसमें जो लाइन जो दे रखी है एक एक लाइन का मतलब है तो आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी पूरी लाइन को समझना पड़ेगा तो उसके लिए हो सकता है कि आपने पहली बुक कोई दूसरी बुक रेफर की हो या उसने आपने थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग बना ली हो तो उसके बाद जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो और आपको अच्छी लगेगी जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूं जितनी बार भी पढ़ता हूं मुझे कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती है इस बुक से तो जरूर आप ये बुक जरूर रेफर करें बहुत ज्यादा जरूरी है पावर सिस्टम के लिए एटलीस्ट ये बुक आपके पास होनी चाहिए ओके सो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है measurement and instrumentation तो measurement and instrumentation के लिए काफी बुक आती है बट जो एक जिसमें सारा ऑलमोस्ट सब कुछ ही दे रखा है हालांकि इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपका जो सिलेबस है केवल वही पढ़ें उतना ही पढ़ें तो उसके लिए एक ऐसी वाली जो बुक है काफी बढ़िया बुक है आप इसको रेफर कर सकते हो बट इसमें काफी कुछ दे रखा है तो आप केवल उतना ही पोर्शन पढ़ें जितना आपको रिक्वायर्ड है

संजय राठी सर क्योंकि वो ईडीसी को अच्छे से डील करते हैं उनसे भी इनपुट लेते हुए चलते हैं हम लोग सो यू नो नीमन वेरी गुड बुक दिस दिस कैन ऑल्सो कवर अप यू नो थोड़ी सी से एडवांस है बट बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इफ यू वॉन्ट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ दिस बुक ऑल्सो बिकॉज टेंट आपको पूरा मिलेगा यहाँ पे बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम लेवल इज मच मोर यू नो रिलेटेड एज कंपेयर टू वॉट इज बी करेंटली आज इन द गेट एग्जामिनेशन सो नीमेन डोनाल्ड इज कैन बी अ चॉइस ऑल्दो इफ यू वॉन्ट टू स्टिक विद व वेरी बेसिक स्टार्ट एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करना है तो स्ट्रेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसी के साथ कनेक्टेड सब्जेक्ट एनोलॉग सर्किट्स पे आ जाते हैं हेयर मोस्टली वी हैव केप्ड वन बुक एंड दैट इज अगेन सेल्फ सफिशियंट यू कैन से भले थियरी की बात करें लैंग्वेज की बात करें लैंग्वेज इजी टू एडवांस सब कुछ है मतलब स्टार्टिंग बट इट टेक्स यू टू ऑल पॉसिबल केसेस एनालॉग सर्किट्स में जो सालों से चले आ रही है कॉलेज में भी हमने इसको रेफर किया गेट के टाइम भी पर्सनली मैंने इसी से पढ़ा था राइट एंड इट इज स्टिल दैट द बेस्ट बुक फॉर दिस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इवन द प्रॉब रेंज एक्सिलेंट ओके, दो दर इज वन मोर गुड वर्क फॉर एनालॉग, इफ यू वांट मोर प्रॉब्लम प्रैक्टिस आई थिंक दिस इज गुड फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल एंड प्रॉब्लम आल्सो गुड है बट आपको लगता है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो जो नीमन डोनाल्ड मैंने मेंशन किया था एडीसी के लिए नीमन डोनाल्ड की एक बुक आती है स्पेशली एनलॉग सर्किट के लिए भी

इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको शायद ना समझ आए अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो तो वो टॉपिक आपको इस बुक में काफी बढ़िया से समझ आ जाएंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप दोनों बुक को रखिए तो... इसलिए मैंने कहा ये भी इजी टू गो है एक्सक्टली exactly. पूरा कवर मिलेगा एंड एट द सेम टाइम प्रॉब्लम रेंज यहां पे ज्यादा रिलेवेंट है गेट के लिए तो सर, तो आप चाहे पूरा डीम डोनाल्ड पे फिक्स हो सकते हैं जी सर अनलॉक सर्किट्स हो गया एंड ईसी डबल के सारे सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं राइट मैथ्स एप्टीट्यूड यहाँ पे हम नहीं रखे हैं सो नो प्रॉब्लम मैथ्स एप्टीट्यूड एक सेपरेट सेक्शन है कॉमन टू ऑल सेपरेट ऑर दैट बट दिस वॉज फॉर कोर ईसी बुक्स एंड डबल ई बुक्स स्टैंड बुक्स जो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए होना चाहिए सो दैट सेम आवर साइड थैंक यू सर थैंक यू एवरी वन एंड होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगे तो स्प्रेड कर देना वीडियो को लाइक कर देना एंड डो नॉट फॉर गेट ट्राइब द चेनल बिकॉज यू बी गटिंग मनी मोर कंटेंट एंड विल नॉट बी एबल टू मिस इफ यू आर सब्सक्राइब थैंक यू थैंक यू स्टे सेफ